हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन दबाएं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 8वीं सामाजिक विज्ञान का टॉपिक नंबर 2 धर्म निरपेक्षता की समझ को समझ रहे हैं। तो कल हमने भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है उसके बारे में पढ़ा था। हमने कुछ बातों को भी ख्याल रखा था, जैसे कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को न दबाए, राज्य न तो किसी खास धर्म को मानेगा, न ही लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर आक्षेप करेगा। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो दोस्तों देखिए, सरकारी स्कूलों में अक्सर कहीं धर्मों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उसकी अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, लेकिन सरकारी स्कूलों में सभी बच्चे एक समान हैं। इसीलिए भारत में सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। किसी भी एक धर्म को भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी संस्थानों, यहाँ कह सकते हैं स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये संविधान में उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रस्तुति से सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी व न ही स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक त्योहार नहीं मनाया जाएगा। जैसे एक सरकारी स्कूल का उदाहरण लेते हैं हम, तो दोस्तों देखिए, सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं, तो बच्चे इकट्ठे होकर के गुरुजी के पास गए, जाकर के अध्यापक जी को कहने लगे कि सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, जैसे दीपावली भी हो सकता है, होली, ईद, गुड फ्राइडे,
कोई भी धर्म हो सकता है। हमने कभी स्कूल में त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल हम मनाए? तो देखिए अध्यापक जी ने कहा नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी विद्यालय है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि बढ़ावा नहीं दे सकते। निजी स्कूल वाले जो चाहे करे, धर्म मनाए या नहीं मनाए, लेकिन सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई भी धार्मिक उत्सव यहाँ त्योहार का आयोजन नहीं किया करते हैं। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकार द्वारा विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है, इसीलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। किसने कहा? अध्यापक जी ने कहा। तो देखिए जब इस प्रकार अध्यापक जी ने कहा कि धार्मिक त्योहार विद्यालय में नहीं मनाया जाएगा, धार्मिक त्योहारों के दिन अधिकांश अवकाश होते हैं, उस अवकाश के समय हम घर पर ही त्योहार मना सकते हैं। तो देखिए लड़के की मन में विचार आया, मैंने इस दृष्टि से कभी भी नहीं विचार किया था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं। तो देखिए रेखा बोली, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में ही इस त्योहार का बड़े धूमधाम से आयोजन वैसे ही कर रहे हैं, तो हम मोहल्ले में ही त्योहार मनाएंगे। तो इस प्रकार जब बच्चों के हाव भाव की त्योहार स्कूल में मनाएं, लेकिन अध्यापक जी ने समझाया कि धार्मिक त्योहार आते रहते हैं, सरकारी संस्थानों में वैसे भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यहाँ तक हम बात करते हैं प्रार्थना सभा में भी धार्मिक प्रार्थनाएं नहीं होती हैं। तो देखिए धार्मिक वर्सस का अर्थ होता है दबदबा को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। तो देखिए भारत हमेशा धर्म के क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। अहस्तक्षेप का अर्थ होता है दखलबाजी, यहाँ अपन कह सकते हैं
कब्जा या अधिकार। तो देखिए इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने, धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए, तो दखल का अर्थ अस्सेप, कब्जा या अधिकार भी अपन कह सकते हैं। राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है, जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोनों दोस्त जब घूमने के लिए निकलते हैं तो परमजीत के दोस्त की नजर परमजीत पर पड़ी। तो परमजीत का दोस्त कहने लगा, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो नहीं है, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर भी तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? आपको पता है बिना हेलमेट जुर्माना भरना पड़ता है, क्या आपको जुर्माना भरने का बड़ा शौक है? तो देखिए परमजीत ने कहा, आप चिंता न करें, मुझे कोई किसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो परमजीत के दोस्त ने कहा, अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? तो परमजीत ने कहा, देखो दोस्त, पगड़ी पहनना सिख धर्म का बुनियादी अधिकार है। बुनियादी का अर्थ होता है बेसिक अपन कह सकते हैं, या आरंभिक भी अपन कह सकते हैं, या जन्मजात भी कह सकते हैं, वो अधिकार है। इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो देखिए हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा कि भारत में शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार दिया गया है नागरिकों को, उस अधिकार में यही कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए वह संस्कृति को अपना सकता है। इस उदाहरण में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यही है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की परताओं के
मुताबिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों मुताबिक का अर्थ होता है अनुकूल, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। तो देखिए लिहाजा शब्द का अर्थ होता है अतः या इसीलिए, दखलंदाजी का अर्थ होता है बीच में टांग अड़ाना या अपन कह सकते हैं एक्सेप्ट करना। तो दोस्तों देखिए इन माध्यम से पता चलता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर विशेष या अपन कह सकते अल्पसंख्यक समुदायों को उनके संस्कृति को बनाए रखने के लिए कुछ छूट दे रखी हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षाओं पर प्रतिबंध है। सभी अपने अपने धर्म को मानने, उनका आचरण करने, धर्म का प्रचार करने, ये सब नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रताएं दे रखी है, लेकिन राज्य सरकार से हम किसी भी धर्म का न तो प्रचार करेगा न मानने के लिए किसी को बाध्य करेगा। तो दोस्तों आज इतना ही, कल अपन धर्मनिरपेक्षता के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।